हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 ऑफ फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सॉइल साइंस की थर्मल प्रॉपर्टीज और सॉइल एयर को समझाया था। इसके बाद ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम सॉइल कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, नेचर, टाइप एंड सिग्निफिकेंस को समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉइल साइंस के इससे पहले के सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जनरल एग्रीकल्चर की बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहां पे हमसे बात कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। सॉइल कोलाइड्स सॉइल की एक स्टेज होती है, जिसमें सॉइल टू फेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉइल इन वाटर या फिर लिक्विड इन केस। सो स्टूडेंट्स, कोलाइड्स एक मिक्सचर होता है जिसमें टू फेसेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कोलाइड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है क्ले सॉइल इन वाटर। जब क्ले सॉइल वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तब एक सॉइल कोलाइड बन जाता है। इसके अलावा सॉइल कोलाइड्स का एक और एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं और वो क्लाउड्स जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ कंबाइंड हो जाता है तब फॉग बन जाता है और वो कोलाइड का एग्जाम्पल है। सो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 0.001 mm से कम होता है उनमें कोलाइडल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है और इसे हम सॉइल कोलाइड्स बोलते हैं। सो ये था सॉइल कोलाइड्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइज। सॉइल कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 2 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर का होता है, जिसे डायरेक्टली हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। सो ये था साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया। जैसा कि हम जानते हैं सॉइल कोलाइड्स का स्मॉल साइज होता है, इसीलिए उनका सरफेस एरिया एक्सटर्नली ज़्यादा होता है। जैसे कि क्ले पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कोर सैंड से कंपैरिजन में 1000 times ज़्यादा होता है। अगर हम इन दोनों के पार्टिकल्स की 1 gram सैंपल से कंपेयर करें तो जैसा कि हम जानते हैं कोर सैंड का साइज़ ज़्यादा होता है और क्ले पार्टिकल्स का साइज़ कम होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्ले पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कोर सैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और यदि हम क्ले सॉइल के सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी रेंज होती है 10 मीटर स्क्वायर पर ग्राम एक्सटर्नल सरफेस टू द 600 मीटर स्क्वायर पर ग्राम इंटरनल सरफेस एरिया। सो थर्ड प्रॉपर्टी है सरफेस चार्जेस। चार्जेस जैसा कि हम जानते हैं 2 types के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सॉइल कोलाइड पार्टिकल में एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस दोनों पर ही चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स में नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होता है। जब सॉइल कोलाइड्स मिक्सचर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब मोस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एनोड से अट्रैक्ट करते हैं। एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है जो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करती हैं, और ये जितना भी चार्ज को कैरी करती है उसके मैग्नीट्यूड को जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है एड्सॉर्प्शन ऑफ कैटायंस। जैसा कि हम जानते हैं सॉइल कोलाइड्स के ज़्यादातर पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज आयन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव
चार्ज्ड आयन्स का एग्जांपल है एच प्लस आयन, एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन्स, कैल्शियम प्लस 2 आयन्स एंड मैग्नीशियम प्लस 2 आयन्स। और जब ये अट्रैक्ट करती हैं तब 2 आयनिक लेयर्स बन जाती हैं। इसमें जो आउटर लेयर होती है वो लूजली कैटायन से कवर होती है और ये नेगेटिव चार्ज सरफेस से अट्रैक्ट हुई होती है। सो इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सोइल पार्टिकल से बहुत से वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। कुछ वाटर मॉलिक्यूल उनमें से कैटायन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बाकी के वाटर मॉलिक्यूल कोलोइड क्ले पार्टिकल्स के इंटरनल सरफेस से अटैच होते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल सोइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कोहेजन। कोहेजन का मीनिंग होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, जिससे जो सेम पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं उसे कोहेजन फोर्स बोलते हैं। कोहेजन फोर्स क्ले पार्टिकल्स के सिमिलर मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है। जब कोलाइडल सॉइल पार्टिकल्स वेट होते हैं तब वाटर सबसे पहले क्ले पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके बाद ये क्ले पार्टिकल्स आपस में खुद से बॉन्ड बना लेते हैं और उसे कोहेजन बोलते हैं। इसके बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी है एडिशन। एडिशन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मींस एडिशन एक ऐसा फोर्स है जो दो डिफरेंट पार्टिकल्स को कंबाइन करता है। एडिशन का मीनिंग होता है कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स किसी दूसरी बॉडी के साथ अटैच होते हैं तब उसे कोहेजन बोलते हैं। जैसा कि जब वाटर मॉलिक्यूल क्ले सॉइल पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बनाता है उसे एडिशन फोर्स बोलते हैं। इसके बाद एट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हम ये पार्टिकल्स को ऑसिलेट करते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, एक बंद कमरे में अगर खिड़की से रोशनी आ रही होती है तब उसमें से हमें कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर पार्टिकल्स का ज़िगज़ैग मोशन होता है और उसे ब्राउनियन मूवमेंट बोल सकते हैं। वैसे ही सॉइल में जब वाटर मिक्स होता है तब वाटर में सॉइल के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हुए दिखाई देते हैं और ये मोमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये मोमेंट पार्टिकल्स के साइज़ पर डिपेंड करता है। जितना कम पार्टिकल्स का साइज़ होगा उतना ज़्यादा ही उनका मोमेंट होगा। सो ये थे सॉइल कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद अब हम सॉइल कोलाइड्स के टाइप को समझते हैं। सॉइल कोलाइड्स के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिलिकेट क्ले लेयर, सेकंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले, थर्ड एलोफेन एंड एसोसिएटेड अमोर्फस लेयर एंड फोर्थ है ह्यूमस। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है और फोर्थ ह्यूमस ऑर्गेनिक का एग्जांपल है। सो अब हम सॉइल कोलाइड्स की फर्स्ट टाइप को समझते हैं। फर्स्ट टाइप है लेयर सिलिकेट क्ले। इस लेयर को हम फाइलो सिलिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि फाइलो का मतलब होता है लीफ। क्योंकि इस लेयर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए हम इसको फाइलो सिलिकेट बोल सकते हैं। ये लेयर 2 हॉरिजॉन्टल शीट्स में मिलकर बनती है। फर्स्ट है सिलिका टेट्राहेड्रॉन। इस लेयर में एक सिलिकन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है। इसमें सिलिकन टेट्राहेड्रॉन शेप बन जाती है क्योंकि इसमें एक सिलिकन डोमिनेट होता है जो कि 4 ऑक्सीजन एटम से कवर होता है। और क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 4 साइडेड होता है, इसमें एक सिलिकन 4 ऑक्सीजन से अटैच होते हैं इसीलिए हम इसको टेट्राहेड्रॉन शेप बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप है एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रॉन। इस लेयर में एल्यूमिना या मैग्नीशियम आयन 6 ऑक्सीजन एटम से या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप से अटैच होते हैं और ये 8 साइडेड बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम ऑक्टाहेड्रॉन बोल सकते हैं। और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जुड़कर ऑक्टाहेड्रल शीट बना लेते हैं। इसके बाद
सेकेंड टाइप है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लेज, इसे हम सेस्की ऑक्साइड क्ले भी बोल सकते हैं। जब हैवी रेनफॉल होता है या फिर वेदरिंग होती है मिनरल्स की, तब सॉइल में से ज़्यादातर सिलिका और एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाते हैं और कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसके बाद जो मटेरियल बच जाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसे सेस्की ऑक्साइड बोलते हैं। सेस्की ऑक्साइड मिक्सचर होता है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2 से बनता है। सो सेस्की ऑक्साइड की एग्जाम्पल है जिप्साइट Al2O3.3H2O या फिर जियोथाइट जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.H2O। इसके बाद थर्ड टाइप है एलोफेज एंड अदर अमोरफस मिनरल्स, ये सिलिकेट क्ले एल्यूमिना और सिलिका से बनते हैं और इसका नेचर अमोरफस होता है। इस मिक्सचर में सिलिकेट और एल्यूमिना के अलावा आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। ये क्ले कॉमनली वॉल्केनिक ऐश में मिलती है, मींस जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तब जो मैग्मा बाहर आता है उसकी ऐश से ये बनता है। इसका एग्जाम्पल है एलोफेन, और इनकी एनायन और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अच्छी होती है। सो ये तीनों थे इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स। इसके बाद फोर्थ टाइप है ह्यूमस। ह्यूमस ऑर्गेनिक नेचर का होता है और ये अमोरफस होता है। इसका डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर होता है। ह्यूमस वाटर में नियरली इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे डाइल्यूट एल्कलाई में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये टेम्पररी होते हैं क्योंकि इनका नेचर ऑर्गेनिक होता है, इसीलिए धीरे धीरे ये सॉइल में डिकम्पोज होते रहते हैं। ये बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं, इन्हें हम ऑर्गेनिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। इसके बाद अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक समझते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है समझते हैं। सॉइल में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो सॉइल कोलाइड्स के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सॉइल में मैक्सिमम पार्टिकल्स का रेडियस 20 से 1000 mm के बीच में होता है और इनका सरफेस एरिया 1 माइक्रोमीटर का होता है। और सॉइल में जो ज़्यादातर प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि एड्सॉर्प्शन रिएक्शन, न्यूक्लिएशन एंड प्रेसिपिटेशन, इन सभी में कोलाइड्स की ज़रूरत होती है। कोलाइड्स सॉइल की केमिकल प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, इसके अलावा सॉइल की हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। सो ये थे सॉइल कोलाइड्स के इम्पोर्टेंस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये थे सॉइल कोलाइड्स के इम्पोर्टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन लास्ट थिंग, वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कोएग्रो ऐप पर आपको BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।